नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर शहर कोरोना वायरस के संक्रमण से कराह रहा है। सिस्टम भगवान भरोसे है। न अस्पतालों में बेड, न इलाज, न कोरोना संक्रमितों की देखभाल, न होम क्वारंटाइन में रह रहे संक्रमितों का सूद लेने की किसी को चिंता। कहीं एक संक्रमित होम क्वारंटाइन में है तो कहीं पूरा परिवार, कहीं कहीं तो पूरा सोसाइटी को ही सील कर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वहां रह रहे लोगों को क्या परेशानी है ये जानने वाला कोई भी नहीं। ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर की सामाजिक संस्थाएं एक बार फिर से आगे आने लगी है। इसमें सबसे पहला नाम मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा का आ रहा है। संस्था के सदस्य अपने स्तर से अपने घरों में होम क्वारंटाइन में रह रहे मरीजों के लिए पौष्टिक आहार बनवाकर जरूरतमंद होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा पिछले साल भी ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था। सिटी शाखा ने ये कार्यक्रम चालू किया प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा, जिसके तहत कोविड पेशेंट्स या उनकी फैमिली को निःशुल्क भोजन प्राप्त दिया जाता है, लंच और डिनर दोनों। अभी फिलहाल हम लोग लगभग 200 पैकेट का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर डे। तो आपने सुना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये जो पैकेट बन रहे हैं, किचन है, कहीं से भी कोई भी बिना मास्क या बिना हैंड ग्लव्स के काम नहीं होता है। वहाँ पे हर तरह से सफाई का और हाइजीनेशन का ख्याल रख के काम कराया जा रहा है। वो घर में ही बन रहा है, किसी भी होटल में या कहीं नहीं बनाया जा रहा है। ये हमारे मेंबर के घर में खाना बन रहा है। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से ये जो घटने। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता ने कोरोना संक्रमण को पराजित कर दिया है। धोनी की माता देवकी और पिता पान सिंह धोनी को रांची के बरियातो स्थित अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दोनों 70 और 80 वर्ष के हैं। कमजोरी के कारण पान सिंह धोनी को व्हीलचेयर पर विदा किया गया, जबकि देवकी सिंह धोनी खुद चलकर अस्पताल से निकली। भैया एक बार रुकिए, अभी आप पकड़ रुकिए, चलो रुपए नहीं जाने दे, रुकिए पकड़ जाओ। कभी मिनी बस को जमशेदपुर का लाइफलाइन माना जाता था, मगर पिछले कुछ सालों से सड़कों पर ऑटो और निजी वाहनों की भीड़ ने मिनी बस संचालकों की कमर तोड़ दी है। पिछले एक साल से जिस तरह वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, इसमें शहर के मिनी बस संचालक से लेकर इसके रोजगार से जुड़े लगभग 20 से 25 हजार लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं और भूखमरी के कगार पर जा चुके हैं। इन्हें न तो सरकार की ओर से कोई सहायता मिल रही है, न ही प्रशासनिक स्तर पर इनके उद्धार के लिए कोई कार्य योजना बन रही है। आलम यह है कि कभी जमशेदपुर का लाइफलाइन कहीं जाने वाली मिनी बस सर्विस अब धराशीय हो चुकी है। मिनी बस संचालकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मिनी बस के धंधे से जुड़े मालिकों और कर्मचारियों को आत्मदाह करने जैसे कदम उठाने पड़ जाए। परेशानी तो बहुत ही है सर। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 120 मिनी बस है, 120 मिनी बस में से मान लीजिए उस पर स्टाफ जोड़ लीजिए, मालिक के परिवार है, स्टाफ के परिवार, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर, एक खलासी, एक गाड़ी पे तीन जन रहता है। उससे समझिए कि 20,000 आदमी का तो रोजगार इससे चलते ही पूरा घर परिवार कर लेते हैं इसके चलते। और सरकार की तरफ से भी कुछ हम लोगों को गाइडलाइन मिला है जो सरकार अपनी तरफ से चलने दे रही है, पर क्या है कि पब्लिक ही नहीं हो रहा तो गाड़ी चलेगी कैसे सर। एक आध दो ठो गाड़ी हमारी गोविंदपुर रोड में चल रही है, वो भी टान टून के अपने पैसा तेल लगा हुआ के चला रही है, वो भी मतलब समझिए कि जबरदस्ती ही गाड़ी चल रही है कि चलिए भाई चले। और बाकी रूट में इधर आपको कांडरा हो गया, स्टेशन हो गया, सुंदरनगर हो गया, राहड़ घोड़ा हो गया, इस सब में सवारी ही एकदम नहीं है। तो बाकी सब मालिक अपने गाड़ी बंद कर दिए हैं, कितने दिन तेल पे चलाइएगा? दो दिन चार दिन आदमी तेल पे चला दिया, चलिए भाई पैसा। पर इस टाइम में आदमी जो पैसा वो बचाने भी खोज रहा है, और गाड़ी का स्थिति ऐसा है कि सवारी का एकदम ना के बराबर है। कितने बसें होंगी यहाँ पे शहर में? 120 बस है सर। मैंने अभी क्या स्थिति रह गई है, एक मैंने मतलब जब से लॉकडाउन लगी अभी एक हफ्ता पहले से, पहले तो कुछ मान लीजिए जिस गाड़ी पांच रिंग जो गाड़ी दिन भर में चलती थी वो गाड़ी एक रिंग चलती थी कांडरा साक्षी, नंबर सिस्टम हो गई थी, जाती थी इधर से उधर से भी नंबर सिस्टम आता था। तो होता था क्या कि एक रिंग में जो भी स्टाफ को मिल जाए 100-200, मालिक को भी उसमें 100-150 अगर बच जाता था तेल उल डाल के तो चलिए गाड़ी चला दे रहा था, भाई चलाओ सवारी आस्ते आस्ते बनेगा धीरे धीरे। अब तो ऐसा हो गया कि एक रिंग गाड़ी चलने का लैग भी नहीं है, तीन तीन घंटा गाड़ी लगा के भी रखने से सवारी नहीं हो रहा है, तो गाड़ी क्या चलाइए? अभी आप लोगों की स्थिति क्या है? स्थिति तो सर सभी जान रहे, दयनीय चल रहा है एकदम। मतलब ऐसा स्थिति है कि ना बोल पा रहे हैं ना हंस पा रहे हम लोग। अब इस पे जो सरकार नियंत्रण अपना निकाले कुछ भी, ना तो हम लोग का टैक्स छोड़ रहा ना तो कुछ, टैक्स भी चालू है, आगे बार भी चालू था वो भी हम लोग दिए सर, इस बार भी खड़ा करके भी टैक्स हम लोग देंगे।
कि कहीं से चाहे कर्जा करके दे, चाहे या मान लीजिए कुछ भी आदमी बंधक करके दे या किसी से कर्जा ले ले, कुछ भी लेके सरकार को तो टैक्स देना है अपना। एक आगे बार तो कर्जा लेके टैक्स हम दिए सर, इस बार क्या नहीं होगा तो गाड़ी को बंधक रख के अपना टैक्स देंगे सरकार को, कहीं ना कहीं पेपर ऊपर रख के तो हमको टैक्स देना ही है सरकार को, सरकार तो टैक्स छोड़ेगी नहीं सर हमें, हम तो दोनों तरफ से मर रहे, सवारी भी नहीं और सरकार भी नहीं छोड़े यार, हमारी गाड़ी जो है खड़ी है, यही एक रोजगार है जो हम लोग इससे कमा खा रहे थे वो भी खड़ा है हम लोग का। अपना नाम बता देते हैं, बंसी पसंद। नामकुम के कोलाद जंगल में तस्करी के लिए एक ट्रक में डोडा लोड करने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर पुलिस की टीम ने वहां छापेमारी की। खूंटी नामकुम सीमा में स्थित कोलाद जंगल में छापेमारी दल को देखते ही 5 से 6 अपराधी और ट्रक ड्राइवर ट्रक और डोडा छोड़कर भागने लगे। छापेमारी दल उनका पीछा किया लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह लोग भाग गए। पुलिस टीम ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 110 प्लास्टिक के बोरे में 2000 किलो डोडा बरामद किया गया। एक तरफ वैश्विक महामारी जो कोरोना का कोविड का जो चल रहा है उसका दूसरा स्ट्रेन की वजह से जिंदगी कसमकस में गुजर रही है और हमारे पुलिस प्रशासन अधिकतर लोगों को सेवा में हम लोग लगे हुए हैं कि या तो लोगों को मदद करें, गैस सिलेंडर तक पहुंचाएं और दवाओं का उपलब्ध कराने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अपराध कर्मी मौके का फायदा लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्र हमारा खूंटी और नामकुम का जो बॉर्डर क्षेत्र है उसी क्षेत्र से डोडा और अफीम की तस्करी में लगे हुए हैं। सूचना एक्चुअली देर रात में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आई थी, उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया और एक टीम हमने डीएसपी साहब लोकल नीरज और हमारे थाना प्रभारी प्रवीण जी के नेतृत्व में मैंने भेजा था और वहाँ से ये देख रहे हैं कि यूपी 25 AT 55 83 नंबर की बड़ी दशक का गाड़ी में करीब 2000 किलोग्राम से अधिक डोडा लदा हुआ था। जैसे हम लोगों की गाड़ी देर रात में वहाँ पहुंची है, गाड़ी का रोशनी देखकर लोग वहाँ से भागने में सफल हो गए। गाड़ी को जब्त किया गया, हाउस से ये बरामद किया गया और इसके विरुद्ध में आगे जांच पड़ताल हम लोगों ने शुरू कर दिया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपने मार्केट की अगर बात करते हैं तो ऐसा अनुमान है कि चूँकि यहाँ पे लोकल मार्केट में 500-600 रुपये प्रति केजी के रूप में ये मिलता है, लेकिन बरेली के जो शहर है यूपी का या और जो दूसरा बिजनौर है इन सब इलाकों में इसका रेट 2500 पर केजी के हिसाब में बिकता है जैसा लोग बताते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने जब्त किया था और इस बार भी ये 12 खेप अभी हम लोगों ने जब्त करने में सफलता पाई है। इसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं, रैकेट है, अंतर्राज्यीय कह सकते हैं और ये रह के लोग कारोबार करते हैं। इन लोगों का मानना ये है कि अगर एक खेप ले जाने में अगर ये सफल हुए तो ऐसा एक नया ट्रक ये लोग खरीदने में कोई इनको उजूर नहीं है, ये आसानी से खरीद लेते, इतना इसमें फायदा है। थैंक यू।